नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, तब बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि जो हरियाणा के न्यूज़पेपर है आज की डेट के, उन्होंने फ्यूचर मेकर के लिए क्या क्या अपने न्यूज़पेपर में दिखाया है। दोस्तों एक तरफ तो बात चल रही है कि फ्यूचर मेकर की कंपनी के CMD को बेल मिलने की बात चल रही है, और दूसरी तरफ जो न्यूज़पेपर है वो कुछ और ही दे रहे हैं। तो मैं आपका आज न्यूज़पेपर की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि न्यूज़पेपर ने आज क्या दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। अब बात करते हैं न्यूज़पेपर में जो आज बताया गया है। दोस्तों सबसे पहली न्यूज़ है ये जागरण सिटी है, हिसार का जागरण सिटी। डेट है 28/9/2018, 28 सितंबर 2018। उसके न्यूज़पेपर में बताया गया है, आप देख सकते हो, फ्यूचर मेकर का डायमंड स्टार काबू, स्टार पर होता था सारा खेल। तो दोस्तों आप पूछते हो कि कौन से अखबार का है, कौन सी डेट का है, तो मैं आज आपको बता देता हूँ। जागरण सिटी, हिसार, और ये डेट है 28 सितंबर 2018, आज का ही न्यूज़पेपर है। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो वहाँ जो अपने इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू इस पेज को निकाल के भी चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं पूरी खबर की, क्या है पूरी खबर इसमें। दोस्तों इसमें हेडिंग में दिया गया है फ्यूचर मेकर का डायमंड स्टार काबू, स्टार पर होता था सारा खेल। 2000 सदस्यों को जोड़ चुका है डिस्ट्रीब्यूटर डूडी वेंकटेश शेरलू। इसमें बताया गया है फ्यूचर मेकर कंपनी में काम करने वालों की वालों को तेलंगाना पुलिस एक के बाद एक गिरफ्तारी कर रही है। इसके बाद बताया गया है कि 2000 लोगों को कंपनी में जोड़ने वाले तेलंगाना के मुख्य डिस्ट्रीब्यूटर आंध्र प्रदेश के जिला नेल्लोर के नवाबपेट गांव के नज़दीक श्रीनगर कॉलोनी निवासी 55 वर्षीय डूडी उर्फ वेंकट को गिरफ्तार कर लिया। वेंकट को कंपनी में प्लेटिनम स्टार हासिल करने पर इनाम के रूप में 55 लाख रुपये मिले थे। अब यह डायमंड स्टार भी हासिल कर चुका था, लेकिन उसे इनाम के 14 लाख रुपए अभी तक नहीं मिले थे। तेलंगाना पुलिस उसको रिमांड पर लेकर पूछताछ भी कर सकती है। तेलंगाना की साइबराबाद आर्थिक अपराधा विंग की तरफ से फ्यूचर मेकर कंपनी के मामले को देख रही है। तेलंगाना पुलिस की तरफ से बड़ी कामयाबी बृहस्पतिवार को लगी। इस विंग ने तेलंगाना के डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ा। पूछताछ में ड्यूडी उर्फ वेंकट ने पुलिस को बताया कि उनकी तरफ से विज्ञापन दिए जाते थे और वह कंपनी के साथ 2000 लोगों को जोड़ चुका था। लोगों को जोड़ने के कारण उसको 17,000 अंक हासिल हुए थे। लोगों को तेजी से कंपनी में योजना जोड़ने के लिए उसको पिछले दिनों प्लेटिनम स्टार टाइटल मिला था। उसके साथ कंपनी की तरफ से 33 लाख रुपए नगद दिए थे। पूछताछ में वेंकट ने बताया कि हाल ही में उसको डायमंड स्टार प्राप्त हुआ था, और यह स्टार हासिल होने पर उसको कंपनी से 14 लाख रुपए मिले थे, लेकिन वह अभी नहीं मिले। पुलिस ने कंपनी का उससे पहले ही भांडा फोड़ दिया था, और लोगों को जोड़ने व उसको कंपनी में फंसाने पर अब तेलंगाना पुलिस ने आरोपित को पकड़ा है। उसके साथ ही दिया है विजिलेंस ने वसूली प्रकरण में हवालदार को रिमांड के बाद जेल भेजा। विजिलेंस ने हांसी पुलिस लाइन में तैनात EHC भरत सिंह को 3 दिन के रिमांड के बाद रविवार को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस इस मामले में पहले बलोरो गाड़ी बरामद कर चुकी है, और जानकारी के अनुसार शिव कॉलोनी निवासी फ्यूचर मेकर कंपनी के इन्वेस्टर रविकांत शर्मा के घर 18 सितंबर की रात नीली बत्ती लगी। बलोरो में 5-6 आदमी आए थे, जिनमें 3 पुलिस की वर्दी में थे। वे घर में से रविकांत का अपहरण कर ले गए। उसके बाद 15 लाख रुपए देने का दबाव बनाकर उसे तीतरा मोड़ पर छोड़कर फरार हो गए। रविकांत ने अगले दिन अपहरण करने वालों से बैंक के खाते में 20,000 रुपए डलवा दिए। उसके बाद उनका सहयोगी हांसी निवासी मनीष बरवाड़ा ने 3 लाख रुपए देने पहुंचा, तो विजिलेंस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसके बाद आई है समाचार कि बैंकों की तरफ से नहीं आई सूचना।
सिटी थाना पुलिस की तरफ से 13 बैंकों से फ्यूचर मेकर कंपनी के खातों के संबंध में जानकारी देने के लिए पत्र लिखा था। पुलिस को 3 बैंकों ने डिटेल भी भेजी था, उन जिनके बाद उनके खाते सीज कर दिए, लेकिन 10 बैंक अभी भी पुलिस को जानकारी नहीं भेज पाए कि 13 बैंकों में खाते हैं और उसमें से 10 बैंकों ने अभी तक सूचना दे दी है। उसके बाद है दोस्तों, दैनिक जागरण का जो मेन पेज है उस पर भी दिया गया है फ्यूचर मेकर कंपनी के बारे में। डेट है आज की 28 सितंबर 2018। फ्यूचर मेकर के सीएमडी और एमडी को लेकर कल सोमवार पहुंचेगी पुलिस, प्रोडक्शन वारंट पर लेने की अनुमति मिली अनुमति। तो दोस्तों ये खबर है, जो भी भाई कहते हैं कि कौन सी न्यूज़पेपर की है वो देख सकता है। दैनिक जागरण का फ्रंट पेज पे दे रखी है, ये लास्ट में साइड में कॉर्नर में दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब विस्तृत से इस न्यूज़ को पढ़ते हैं, क्या है न्यूज़ में दोस्तों। इस न्यूज़ में दिया गया है फ्यूचर मेकर के सीएमडी और एमडी को लेकर कल फतेहाबाद पहुंचेगी पुलिस, प्रोडक्शन वारंट पर लेने की अनुमति मिली। हजारों लोगों को ठगने वाली फ्यूचर मेकर कंपनी के मुख्य प्रबंधक निदेशक सीएमडी राधेश्याम व प्रबंधक निदेशक सुंदर को फतेहाबाद लाने के लिए हरियाणा पुलिस प्रोडक्शन वारंट की अनुमति मिल चुकी है। 29 सितंबर को पुलिस दोनों को फतेहाबाद लेकर पहुंच जाएगी। दोनों को तेलंगाना पुलिस ने ही पकड़ा था और दोनों आरोपित तेलंगाना की जेल में बंद थे। उन्हें लेने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के सदस्य यहां से तेलंगाना के लिए 10 दिन पहले रवाना हुए थे। यहां दोनों के खिलाफ दांगड़ निवासी अनिल सियाग ने एफआईआर दर्ज कराई थी। अब तक फ्यूचर मेकर के खिलाफ 50 शिकायतें आ चुकी हैं। राधेश्याम हिसार के गाँव सीसवाड़ के रहने वाले हैं और सुंदर सैनी गाँव चिंदड़ का रहने वाला है। पुलिस उनसे उनकी कंपनी के प्रमोटरों व बड़े एजेंटों के बारे में पता लगाएगी। इसके बाद है, आज मरियम खान को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। उधर पुलिस ने मिट एवोल्यूशन कंपनी, दोस्तों ये दूसरे उसकी है कंपनी की न्यूज़। तो दोस्तों ये है खबर कि 29 तारीख को श्री राधेश्याम जी फ्यूचर मेकर कंपनी के सीएमडी को पुलिस प्रोडक्शन वारंट पे फतेहाबाद लाने की बात बोल रही है। और उधर बात ये चल रही है कि कोर्ट में तेलंगाना में उनको बेल की बात चल रही है कि बेल मंजूर होने वाली है। तो दोस्तों पता नहीं रियल क्या है, रियल ज़्यादा विश्वास तो इसी में हो रहा है कि उनकी बेल की एप्लीकेशन लग चुकी है और उनको बेल मिलने वाली है। और इधर फतेहाबाद पुलिस ने ये दावा किया है कि वो 29 तारीख को सुबह श्री राधेश्याम जी को यहाँ लेकर आई है। तो दोस्तों अगर आपको संशय हो कि किस न्यूज़पेपर की है, तो मैंने ये भी बता दिया है आपको कौन से न्यूज़पेपर की है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। दैनिक जागरण के एक तो फ्रंट पेज पे है और एक दैनिक जागरण के जो हिसार जागरण है उसके पेज पे है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो अगर आपके पास न्यूज़पेपर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय फ्यूचर मेकर, जय राधेश्याम, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।